अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, मींस डिफरेंशियल इक्वेशंस की फार्मेशन। जैसा कि एक जनरल इक्वेशन लेते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई सी वन सी टू सी थ्री टू सी एन इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये इक्वेशन है। इसका मतलब होता है कि इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हों उन कांस्टेंट को रिमूव करना। इट मीन्स यहाँ पे सी वन से लेकर सी एन, मीन्स सी एन अनलिमिटेड कांस्टेंट हैं, तो मीन्स इसका एंथ टाइम डेरिवेटिव लेकर मीन्स इसके कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये फार्मेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, मीन्स इसको बनाएंगे। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एलिमिनेटिंग द टू कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। मींस ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बाय रिमूविंग द कांस्टेंट ए एंड बी, मींस जैसा कि इसमें दो कांस्टेंट है उनको रिमूव करना है, रिमूव करके बनाना है। अब क्या करेंगे, जैसा कि फॉर सपोज इसको हम इक्वेशन वन कर देते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। जैसा कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन एक्स। सो अब ये हो जाएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स। फॉर सपोज इसको इक्वेशन नंबर टू कर देते हैं। अब क्या करना है कि इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालें तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होगा। अब देखें तो ये जो वैल्यू है ये मीन्स इक्वेशन वन है, मीन्स ये वाई की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे ये इस वैल्यू की जगह वाई, कैसे, अभी डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इसकी जगह ये जो इक्वेशन वन है मीन्स वाई। अब क्या करना है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि आप देखेंगे इससे कांस्टेंट ए और बी दोनों रिमूव हो गए,